गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वारवासिक स्टडी विद अफसर सर। आपका स्वागत है एक नए दिन एक नई सुबह के साथ। ठीक है, हमने कल क्या किया? कल हमने एडजेक्टिव को खत्म कर दिया। हमने नाउन को अच्छे से जाना, प्रोनाउन को जाना, एडजेक्टिव को जाना। अब हम जानेंगे वर्ब को, जानेंगे कि वर्ब को और अच्छे से जानेंगे। तो हमने एडजेक्टिव को कल खत्म किया। एडजेक्टिव का कल हमारा क्या था? सुपरलेटिव डिग्री। अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में वीडियो होगी, जाके आप उसे वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप ठीक है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा वीडियो। ठीक है, अगर आपने कोई भी वीडियो मिस की होगी पिछली वाली, तो प्लेलिस्ट में वीडियो होगी, जाके उसे वॉच करके फिर आइएगा और आपको अच्छे लगेगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब हमने पार्ट था, बीच बीच में पढ़ा था, लेकिन हम उनको और फिर से डिटेल करेंगे, अच्छे से जानेंगे। हम वर्ब अभी वर्ब के बारे में ही हमने पढ़ा, अब हम जानेंगे उनके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सब हम उनके अच्छे से उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो वर्ब बेसिक हमने पढ़ा दिया था, बेसिक से अब एडवांस लेवल जाएंगे हम। मतलब बेसिक आपने नहीं पढ़ा हो तो प्लेलिस्ट में वीडियो होगी, जाके उसे देख लीजिएगा। पार्ट ऑफ प्लेलिस्ट की मैंने पूरी वीडियो डाल दी है। तो आप देखिए, आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा रहेगा वर्ब एंड वर्ब एडवांस। मतलब वर्ब भी पढ़ेंगे और वर्ब का एडवांस लेवल भी पढ़ेंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज है वर्ब क्या होता है, हम उन्हें जान लेते हैं। वर्ब मतलब होता है क्रिया। ए वर्ब इज सेइंग एंड डूइंग, जो कहते हैं जो करते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा वर्ब कहलाता है। कोई चीज होना हुआ, कोई चीज घट गया, कोई घटना हुआ, कोई चीज किसी अवस्था में है, क्या चीज है, ये सारी चीजें हमारे क्या होती हैं? वर्ब होती है। समझे आप लोग ने? बस यही चीज। ठीक है, मैंने कहा एडवांस लेवल है तो थोड़ा आपको डिफिकल्ट इसमें रहेगा। जो किड्स लेवल था मैंने वहां पे वर्ब खत्म कर दिया था, लेकिन ये थोड़ा आपका एडवांस लेवल रहेगा। तो वर्ब क्या है आपका? क्रिया, कोई काम, कोई चीज। ठीक है, मैं और ठीक है, कोई घटना हुआ, कोई चीज, कोई हैपेंड, कोई घटना हो गया। ठीक है, ये तो सारे क्या वर्ब हो गए। ठीक है, इन्हें हम और अच्छे से जानेंगे। पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या करती है। ठीक है, वर्ब की डेफिनेशन क्या करती है? ए कंटेंट वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन, ऑकरेंस एंड स्टेट ऑफ इंस्टेंस। मतलब एक क्रिया जो कभी घटना घटेगा, मतलब किसी अस्तित्व को इशारा करेगा, मतलब कोई चीज रहेगा, बीइंग कोई होगा, कोई पोजीशन होगा, तो हमारा क्या कहलाएगा? आपका वर्ब कहलाएगा। ठीक है, ये चीज क्या कहलाएंगे? वर्ब कहलाएगा। कोई भी घटना हुआ, कोई भी चीज घटा, तो कुछ क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। इसमें हम थोड़ा सा हटके पड़े तो सारी चीजें क्या होंगी? आपके वर्ब होगी। ठीक है, एक कंटेंट वर्ड डैट डिनोट्स, मैंने बता दिया हिंदी में, देखिए वो शब्द जो किसी एक्शन, अपीयरेंस एंड स्टेट ऑफ एक्सटेंस की तरफ इशारा करेंगे, मतलब किसी घटना की तरफ इशारा करेंगे, किसी अस्तित्व की तरफ इशारा, कौन सी अवस्था का अस्तित्व है उसके बारे में इशारा करेंगे, तो हमारे वो क्या कहलाएंगे? वर्ब कहलाएंगे। और वर्ब होता है क्रिया, होता है काम, होता है शॉर्ट भाषा में समझिए कोई काम करना ही क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। जैसे मैं लिख रहा हूं तो लिखना क्या हो गया? वर्ब है। मैं पढ़ रहा हूं तो क्या हो गया? पढ़ना क्या हो गया? एक वर्ब है। समझे आप लोग ने? सबसे बड़ी चीज है किसी सेंटेंस में, ठीक है, अगर वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस बेकार है। ठीक है, किसी सेंटेंस में अगर वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस क्या होगी? बेकार हो गई। तो सेंटेंस में वर्ब रहना आपका ये सबसे जरूरी है। किसी भी सेंटेंस में हमें तीन चीज की जरूरत पड़ती है, एक सब्जेक्ट की, वर्ब की, ऑब्जेक्ट की। मान लीजिए, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कहीं पे। ठीक है, जैसे, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेने यहां पे लिख देता हूं। मैं लिखूं द गर्ल, ठीक है, लेटर। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? गर्ल हो गया, और लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसमें हमने क्या किया? वर्ब को नहीं लिखा, तो द गर्ल्स लेटर नहीं बन रहा है, क्योंकि कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, तो हमारा क्या है? ये एकदम बेकार है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? ये एकदम बेकार है। तो गर्ल लेटर क्या होगा? गर्ल क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो गया। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, वर्ब की जरूरत पड़ती है और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो इसमें हमारा वर्ब नहीं है तो सेंटेंस बेकार है। अगर हम लिख दें द गर्ल राइट ए लेटर,
ठीक है। तो पर्व आ गया, मतलब लड़की कौन सी काम कर रही है, पत्र लिख रही है। तो हमारे कहने का मतलब है किसी सेंटेंस में वर्ब का रहना जरूरी है, समझे आप लोगों ने, किसी भी सेंटेंस में वर्ब का रहना जरूरी है। कोई भी सेंटेंस होगा अगर वर्ब नहीं होगा तो वो सेंटेंस बेकार होगा। जैसे गाड़ी में अगर इंजन नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, वैसे ही सेंटेंस में अगर वर्ब नहीं होता है तो सेंटेंस बेकार। तो किसी भी सेंटेंस में हमें तीन चीज की जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट की, वर्ब की, ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ऑब्जेक्ट ना रहे तब भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन वर्ब को रहना जरूरी है। तो किसी भी चीज में हमें वर्ब का रहना जरूरी है, किसी भी सेंटेंस में, समझे आप लोगों ने, ये चीज जरूरी था। तो कोई भी सेंटेंस रहेगा बिना वर्ब का नहीं, अगर वर्ब नहीं है उसमें तो सेंटेंस क्या हुआ, बेकार है। तो वर्ब को आप लोगों ने समझा, ठीक है, जैसे गाड़ी में इंजन की जरूरत पड़ती है वैसे ही किसी सेंटेंस में वर्ब की जरूरत पड़ती है, अगर वर्ब नहीं है तो सेंटेंस बेकार, ठीक है, हमने समझा। ठीक है, आप देखिए एक सेंटेंस में, ठीक है, हमने वर्ब में क्या करता, पार्ट ऑफ में एक वर्ब पढ़ा था, लेकिन अब क्या होगा, एक सेंटेंस में दो वर्ब भी आ सकते हैं। ठीक है, कोई पोजीशन में होगा, किस अवस्था में होगा, ठीक है, कोई मान लीजिए, ठीक है, विंग कोई चीज का होना होगा तब भी वो वर्ब कहलाएगा। ठीक है, अभी हम इसे एक एग्जांपल के साथ समझेंगे कि ये क्या होता है। अब देखिए, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया है, कोई चीज क्रिया होगी, कोई चीज होगा, ठीक है, और कोई चीज पोजीशन मतलब अधिकार, कोई चीज चीज का किसी में अधिकार होगा तब भी वो वर्ब कहलाएगा, कोई चीज होना होगा तब भी वो वर्ब कहलाएगा, कोई क्रिया होगी वो तो वर्ब कहलाएगी। तो आपको समझ में आ गया ना, तो ये सब चीजें मिलाकर क्या, ये सब चीजें मिलाकर क्या होंगे, वर्ब होंगे। ठीक है, एक्शन भी होगा, विंग भी होगा, पोजीशन भी होगा, तो ये सब क्या होंगे, पोजीशन भी होगा, ये सब क्या होंगे हमारे वर्ब होंगे, समझ गए। मतलब कैसे मैं कहूँ ये मेरा पेन है, दिस इज ए माई पेन, तो इज क्या होता है, इज माई पेन, मेरा अधिकार है, इस पे मेरा अधिकार है, तो इज क्या हो गया आपका, ये आपका वर्ब हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस के थ्रू समझेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए, सी हियर हर सन वाइफ आफ्टर लॉन्ग टाइम, उसने अपने बच्चे की आवाज सुनी बहुत दिनों के बाद। तो कौन सा काम हुआ, आवाज सुनी ना बहुत दिनों के बाद, कौन सा, आवाज सुनी, हियर सुना उसने, कौन सा काम किया, सुना कोई चीज ना, तो हियर क्या हो गया आपका, आपका वर्ब हो गया। He dream really happened, ठीक है, जो उसने सपना सोचा था happened वो हो गया, तो कौन सा काम चीज हो गया, हो गया, तो happened आपका क्या हो गया, इसमें वर्ब हो गया। ठीक है, अब देखिए, सी डिजाइन क्लोथ, वो अपना कपड़ा डिजाइन किया। ठीक है, तो डिजाइन क्या हो गया अपना, कौन सा काम किया, डिजाइन की, तो डिजाइन क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। आप देखिए, अब मैंने कहा था किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा भी दो वर्ब आ सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया, ए वर्ब कैन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, मतलब एक से ज्यादा भी आपके वर्ब हो सकते हैं। द गर्ल वाज स्क्वॉटेड बाय हर मदर, उसकी माँ ने, ठीक है, अपने, ठीक है, माँ ने, ठीक है, अपनी लड़की को, उस लड़की को, अपनी लड़की को डांटा, तो ठीक है, वाज स्क्वॉटेड, इसमें क्या हो गया आपका, कौन सा काम कर रही है, कौन सा काम कर रही है, डांट, इसमें क्या हो गया आपका, वाइल्ड स्क्वेट क्या हो गया, वर्ब हो गया। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, लड़के जो हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, तो आर प्लेइंग क्या हो गया इसमें आपका, आपने कौन सा काम करा, क्रिकेट खेल रहे हैं ना, कौन सा काम, खेल रहे हैं, तो आर प्लेइंग क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। समझे ना आप लोग ने, ये सारी चीजें हमारी क्या थी, वर्ब थी। जैसे डॉक्टर आर रिहर्सिंग ए प्ले, मतलब रोल के लिए एक्टर क्या कर रहे थे, एक्टिंग का मतलब सीख रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, तो यहाँ पर वेयर रिहर्सिंग मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका वर्ब हो जाएगा। ठीक है, द टाइगर इज ए मैग्निफाइड एनिमल, जो टाइगर है, ठीक है, मैग्निफाइड एनिमल है, तो इसमें इज क्या हो गया, होना, ठीक है, इसमें इज क्या दर्शा रहा, किसी चीज का होना, टाइगर का मैग्निफाइड दर्शा रहा है ना, तो आपका क्या दिया, इज क्या हो गया आपका, ये होना हो गया। सैनी पुट द कैश ऑन द टेबल, सैनी जो थी वो टेबल पे, ठीक है, मेज रख दी, तो एक्शन कौन सा क्रिया कर रही है, रख रही है ना, इसमें पुट क्या हो गया आपका, एक्शन वर्ड हो गया। द रिवर इज क्वाइट स्लो, जो रिवर है, ठीक है, वो स्लो है, द रिवर इज ए क्वाइट स्लो, ठीक है, रिवर जो है, नदी जो है वो थोड़ा स्लो है, थोड़ा स्लो बह रही है, तो कौन सा काम हो रहा है, कौन सा, स्लो बह रही है, इज, ठीक है, कौन सा होना, इज,
ठीक है, इसमें इज हो गया। द बंगलोज हैड ब्यूटीफुल फ्लावर गार्डन, बंगलो के पास, बंगला जो है उसके पास बहुत अच्छे अच्छे फूल है, तो बंगला का अधिकार है फूलों पे ना। मैंने कहा पोजीशन जब आ जाएगा ये भी अधिकार होगा, किसी चीज का अधिकार होगा, तो ये भी है। क्या कहलाएगा हमारा? वर्ब कहलाएगा। हेल्पिंग वर्ब भी कभी वर्ब बन के आ जाते हैं, समझे आप लोगों ने? कभी कभी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी वर्ब बन के आपके आ जाएंगे, और एक से ज्यादा वर्ब हो सकते हैं सेंटेंस में। तो इसमें है क्या था हमारा? है क्या था? हेल्पिंग वर्ब था, और जिससे ये क्या हो गया हमारा? वर्ब का काम किया, मतलब वो अधिकार बता रहा है कि भैया जो फूल है वो बंगलों का है, मतलब बंगला जो है बंगलों का फूल है, समझे? अधिकार बता रहा है। तो इसमें है क्या हो गया आपका? है आपका हो गया वर्ब, समझे आप लोगों ने? अब देखिए, हमने वर्ब को अच्छी तरीके से समझा, अब हम कल पढ़ेंगे वर्ब के बारे में, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं और ठीक है क्या क्या होते हैं, उनके सारे के सारे हम चीजें पढ़ेंगे, एकदम बेसिक लेवल से हम वर्ब को एकदम बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। देखिए वर्ब के दो प्रकार के होते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। वर्ब के दो प्रकार होते हैं, काइंड ऑफ टू वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ऑर्डिनरी वर्ब के भी दो दो प्रकार होते हैं, नेटिव और नॉन नेटिव वर्ब, समझ गए? एक नेटिव वर्ब, एक नॉन नेटिव वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के भी दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी, इन सारे को हम अच्छे से पढ़ेंगे। इन्फिनिटिव वर्ब के भी दो प्रकार होते हैं, ट्रांसलेटिव वर्ब और इंट्रांसलेटिव वर्ब, ठीक है। ये जो सारी चीजें हैं कल हमें को स्टार्ट करेंगे, तो हमारा पढ़ता क्या होगा? ऑर्डिनरी वर्ब। इन सारे चीजों को हम ऐसे पढ़ेंगे कि कभी जिंदगी में भूल ही नहीं पाएंगे, मैं आपसे कहता हूँ। तो सर आपकी आपकी चीजें आपको वर्ब समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो सारी चीजें कल का हमारा क्लास रहेगा ऑर्डिनरी वर्ब क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे नेटिव, फिर नॉट नेटिव पढ़ेंगे, फिर ट्रांसलेटिव, फिर ट्रांसलेटिव, फिर ऑब्जेक्टिव को हम लास्ट में उठाएंगे। या तो आपकी जैसे भी होगी कमेंट में, ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव कमेंट करिएगा, ऑर्डिनरी पढ़ना चाहते हैं तो ऑर्डिनरी कमेंट करिएगा। आपकी जो इच्छा होगी पहले वो पढ़ा देंगे हम, पहले चूंकि ऑब्जेक्टिव पढ़ा देंगे, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या मॉडल ऑब्जेक्टिव, जो भी आपकी इच्छा होगी आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसे पढ़ा दूंगा, ठीक है। आई होप आज की वीडियो जो आपकी वर्ब थी आपको अच्छे समझ में आई होगी, पूरी चीजें मैंने अच्छे से आपको समझा दी होगी। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी ही लगी होगी, तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद।